देख सकते हो गाइस, इनका साइकिल पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला बोर्ड पे ऑल इंडिया ट्रिप फ्रॉम कोलकाता। ये कोलकाता से ही गए थे। तो नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान सिद्दीकी और मैं दमदम एक नंबर एयरपोर्ट कोई गली का रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जॉयदीप चक्रवर्ती। अच्छा, आप भी इनके साथ पूरा ट्रैवल किए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं घर लौट रहा हूँ और घर के लिए बेचैनी है, दोस्त वगैरह है, घर वाला है। बिल्कुल बिल्कुल मिलूंगा और मैं बहुत मजा करूँगा। चलिए घर जाना है। मजा लिया, हर एक स्टेट का मजा लिया, मतलब अलग अलग खाना, अलग अलग पहनना। तो गाइस, ये दोनों भैया को देख सकते हो, ये लोग कोलकाता से निकले थे पूरी इंडिया ट्रैवल करने के लिए। लेकिन फिलहाल गाइस काफ़ी टाइम हो गया, कितना दिन हो गया? 321 दिन। आप समझ सकते हो गाइस, 321 दिन पूरे इंडिया में बिताए ये लोग, बहुत सारे जगहों पर घूमे हैं। तो मैं अभी ये भैया से थोड़ा बातचीत करता हूँ, फिर इनसे करेंगे। तो भैया कहाँ से है आप? एक नंबर एयरपोर्ट कोरीखाली में रहने वाला हूँ। अच्छा, भारत भवन में निकला था साइकिल लेकर। अच्छा, 14 नवंबर 2022। अच्छा, और अभी मेरा 321 दिन हो रहा है। मैं पूरी भारत की और कंप्लीट करके अभी मैं घर लौट रहा हूँ। सबसे पहले गया था अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब साइड पहला पूरा नॉर्थ ईस्ट किया करने के बाद वहाँ से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद वहाँ से दिल्ली आया, फिर दिल्ली से मैं गुजरात आया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, उसके बाद तमिलनाडु, उसके फिर वहाँ से आंध्रा, उड़ीसा, अभी मैं बंगाल में कर रहा हूँ। और 21 दिन हो गया है और अभी बारिश भी हो रहा है, देख सकते हैं। मैं नीचे चल रहा हूँ क्योंकि मुझे कल घर पहुँचना ही है, कल मेरा बहन का वेडिंग है। अच्छा अच्छा, तो कल घर पहुँचना ही है, तो इसलिए मैं पूरा आज मतलब जैसे भी हो रहा है बारिश में भीग के मैं चल रहा हूँ। अच्छा। और निकला था इंसानों को महसूस करने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि हमारा दिन पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग जो चीज़ हो रहा है आप लोग सभी जानते हैं, वो चीज़ पेड़ कम होने की वजह से हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान पेड़ लगाए, ये मैसेज लेकर हम लोग निकले थे। हम लोग हाईटेक सिटीज में जाके कुछ पेड़ बनकर खड़े रहते थे, 10 by 1 hour 2 hour ऐसे इंसान के आवाज करते थे। काफ़ी कदर हम लोग इंसानों के साथ खुद भी पेड़ लगाया, इंसानों को पेड़ डोनेट किया, लगभग 300 से ज़्यादा पेड़ हम लोगों ने लगाया। ऐसे अगर हर कोई हम लोग सब मिलकर अपना परिवेश का, परिवारन का अगर ख्याल करेंगे तो शायद आने वाले दिन में ये ग्लोबल वार्मिंग जो है धीरे धीरे कम हो सकता है। और काफ़ी जगह में देखा है कि हम लोगों ने कि पानी का भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा समस्या है, इंसान के पास पीने के लिए पानी नहीं होता है। बिल्कुल, काफ़ी दूर दूर से गाड़ी में करके घर घर में आकर पानी दिए जाते, ऐसे ऐसे गाँव भी हम लोगों ने देखा है। और हम लोग ऐसी जगह में रहते जहाँ पर शायद पानी का आपको समस्या ना हो, लेकिन आपको नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को पानी का दिक्कत नहीं है, काफ़ी इंसानों को दिक्कत है। तो आप पानी बेफिजुल खर्च ना करें, जितना ज़रूरत होता है उतने ही आप लोग उसको अगर यूज़ करेंगे तो बेहतर है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि पानी का टैप खोल के हम लोग रख चुके हैं लेकिन वो बंद नहीं करते, पानी गिरे जा रहा है, तो ऐसे पानी को वेस्ट ना करें। और सबसे ज़्यादा बात की काफ़ी होटल्स में, रेस्टोरेंट में भी ऐसा देखा है कि खाना वो लिए, थोड़ा सा खाकर छोड़ दिए, आधा अधूरा वो डस्टबिन में चले जाता है। काफ़ी ऐसे भी इंसानों को देखा, काफ़ी को आप मुझे देख सकते हैं, मैं काफ़ी टाइम ऐसा हुआ ना कि मेरे को बिस्किट खाकर या कुछ खाकर रहना पड़ा है, मेरे को खाना नहीं मिला। तो इसलिए खाना जितना खा सकते हो उतना ही ले। तो भैया आपने इंडिया के इतने ज़्यादा आपको ट्रैवल किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका इंडिया के अंदर, तो आपको कौन सा ज़्यादा सबसे बेस्ट लगा ये मुझे बताइए। ये तो हमको इस चीज़ का है कि कौन सा स्टेट ज़्यादा बेहतर है, हमारा स्टेट ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा स्टेट ज़्यादा बेहतर है, हर एक स्टेट बेहतर है, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग नज़रिया से, तो हर एक स्टेट अपने आप को छोटी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट सबसे ज़्यादा अच्छा है, कोई चलिए। हाँ, अगर मैं बात करूँगा कि कोई हमें कुछ सीखना चाहिए तो वो है केरला। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हम सभी जाते हैं, वहाँ पे शिक्षित के हार जो है काफ़ी है, इंसान काफ़ी वहाँ पे शिक्षित है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे एक दूसरे के अंदर इंसान जो है काफ़ी इंसानियत के संग रहते हैं। और ह्यूमैनिटी उन लोगों के अंदर में इतना है, मतलब पूछो, लोग हर एक इंसान की मदद करते पूछते रहते हैं, काफ़ी उन लोगों के अंदर में कभी कदर झमेला है और इतना भी मैंने कभी के अंदर में झमेला नहीं, जहाँ मतलब काफ़ी है और वो लोग इतना मदद करते हैं, मतलब तो ये सब जो चीज़ है ये सब हमें केरला से सीखना चाहिए, ये कैसा स्टेट है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो आपको दिक्कतें क्या क्या आई वहाँ पे, जैसे कि रहने में, खाना पीने में, या और भी कुछ दिक्कतें आपको क्या क्या आई ये बताइए। सफ़र में और कुछ दिक्कतें तो नहीं आई सफ़र में, या कभी कभार ऐसा होता था कि
पूरा अभी मैं चला, शाम होने वाला है, जगह नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जगह नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने कभी टेंशन नहीं लिया, मैं सोचा कि आगे बैग कुछ बेहतर रहेगा, तो फिर आगे चलता हूँ। यही कि अंधेरे हो जाने के बाद पूरा एक टेंशन आ जाता है कि अब आगे मुझे क्या मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये फिक्र रहता है। बाकी ऐसा सफर में कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए सही है, राइड आपका, ट्रैवल आपका सही रहा। तो आप घर जा रहे हैं फिलहाल, अभी तो शायद बारिश तो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आप भी बारिश में चलना पड़ेगा। मुझे मेरे ख्याल से आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि इतना ट्रैवल किए हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा रुक कर ही थोड़ा जा रहे हैं। घाट में था ना, तो पूरा लगातार 16 दिन सुबह 5 से लेकर शाम के 5 बजे तक पूरा 12 घंटे में बारिश में चला था, लगातार 16 से 17 दिन। अच्छा, हर एक इंसान मेरे को कहता था कि छुट्टियाँ हो जाएगा बारिश जब होगा, तब फिलहाल तो हुआ नहीं है, तो हुआ नहीं था, पर हमेशा साथ दिवा है और अभी भी मेरे को चलना ही पड़ेगा। अगर मैं अभी आगे नहीं बढ़ूँगा तो कल मेरा जो बहन का शादी है तो मैं उसमें पहुँच नहीं पाऊँगा। बिल्कुल वही चल रहा है, बिल्कुल एक जज्बा लेकर के चाहिए आपसे मिलकर, और मुझे सही में दिल से होता है काफ़ी ज़्यादा खुशी हुआ ऐसे लोगों से मिलकर जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं खुद के दम से कुछ करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऐसी मेहनत करते जाइए और आगे बढ़िए, एंड उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी आप घर पहुँचेंगे और अपनी बहन का वेडिंग अटेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप भी इनके साथ पूरा ट्रैवल किए हैं? सभी निकले थे, पूरा इंडिया को ट्रैवल करेंगे। अच्छा, साथ साथ मतलब पूरा इंडिया को जानेंगे ही। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पेड़ भी लगाया। अच्छा, पौधे के लिए, नेचर के लिए, वाटर के लिए। अच्छा, हम लोग लोगों को बोला कि आने वाला टाइम में बहुत पानी के लिए दिक्कत होगा। हाँ हाँ, जैसे ना करे। हाँ, जैसे मतलब पर्यावरण को बचाए। हाँ, ये सब हम लोग का मोटो था। अच्छा अच्छा, और ये कम्युनिटी से, मैं कम्युनिटी से, तो मतलब हिंदू मुस्लिम हम लोग एक साथ घूमे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे हम लोग एक साथ रहते, देश को तो सही, पूरा दुनिया को एक। हाँ हाँ, तो आपका ट्रैवल सक्सेसफुल रहा कि नहीं? एकदम 100% सक्सेसफुल रहा, और मैं उम्मीद जो किया था, मेरा जो टाइम लगेगा। अच्छा, तो पहले ही मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, तो इससे पहले मैं इतना बड़ा सफर मैंने नहीं किया था। अच्छा अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं घर लौट रहा हूँ और घर को लिए बेचैनी है, दोस्त वगैरह है, घर वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बहुत मजा करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका एक्साइटमेंट देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग घर जा रहे हैं काफ़ी टाइम बाद, 321 डेज आप लोग ने बाहर बिताया और फिलहाल काफ़ी टाइम बाद घर जा रहे हैं। मजा लिया, हर एक स्टेट का मजा लिया, मतलब अलग अलग खाना, अलग अलग पहनना, उनका अलग अलग बोली, तो ऐसा था जो हम लोग का भाषा लोग नहीं समझते थे, हम लोग ईसा में बात करते थे, तो ये सब कोई मैटर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा भारत घूम के, क्योंकि भारत में मतलब बहुत मतपदा है, बहुत कुछ है, बहुत संस्कृति है, पूर्णा बहुत कुछ है, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो एक बार जो भारत घूमेगा उसको मतलब मेरी तरह बहुत अच्छा ही लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप दोनों से मिल के। आप लोग सही से घर जाइए, और शादी है आपकी बहन का, तो दोनों जाइए, अटेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे देख सकते हो सीट इंडिया, फिट इंडिया यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इसको अगर आप सर्च करते हो यूट्यूब पे और फेसबुक पे, ऑलरेडी आपको मिल ही जाएगा ये भैया का, वहाँ पे वीडियोस वगैरह है, आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हो।